भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में जो जीत हासिल की उसमें अमित शाह का बड़ा रोल था। 2014 में अमित शाह को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। नतीजा यूपी की 80 में से 73 सीटें एनडीए को मिली, जिसमें से बीजेपी को अकेले 71 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली इस सफलता के बाद अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अमित शाह ने अपने नेतृत्व में बीजेपी को चुनाव जीतने वाली पार्टी बना दिया। बीजेपी में एक नया चलन निकला, जहां चुनाव वहां सरकार। सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि मोदी शाह की जोड़ी से पार पाना कतई आसान नहीं है, और ये हम लोकसभा चुनाव में भी देख चुके हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अमित शाह ने बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, लेकिन अब इस अहम पद से अमित शाह की छुट्टी हो रही है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष पद का कार्यकाल 2 साल तक रहता है। एक व्यक्ति को लगातार 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अमित शाह का कार्यकाल पिछले साल ही समाप्त हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल को चुनाव के बाद तक बढ़ा दिया गया। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जो परिणाम सामने आए उसने अमित शाह की नीतियों पर फिर से जनता ने मुहर लगा दी है। लेकिन अमित शाह का कार्यकाल पार्टी अध्यक्ष के रूप में पूरा हो चुका है, तो अमित शाह को अब बीजेपी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा। हालांकि खबरें हैं कि पार्टी में उनका कद बढ़ेगा और उन्हें किसी अहम मंत्रालय की कमान सौंपी जाएगी। वहीं बीजेपी को अब तलाश है पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए दूसरे काबिल व्यक्ति की। कयास लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह में से किसी एक को आगे कर सकती है। भूपेंद्र यादव को अमित शाह का करीबी माना जाता है, ऐसे में भूपेंद्र यादव के बीजेपी अध्यक्ष बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा बताई जा रही है।